हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीवी एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क 2020 के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और स्पेशली इसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर लिटरेसी, क्योंकि इसमें पूछ रहा आपसे कंप्यूटर आना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, डिग्री है, डिप्लोमा है, या आपने हाई स्कूल लेवल पर पढ़ा है, इंटर लेवल पर पढ़ा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल्स में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये फॉर्म आपका भरा हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर, तो आपको यहाँ पर माना यस कर दिया, ठीक है। तो यस करने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट है, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट एज ए आपने पढ़ लिया है, तो आप इस तरीके से यस तो यहाँ पे कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज, वर्किंग नॉलेज नहीं है, उसके साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, या आपने हाई स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, इंस्टीट्यूट लेवल या ग्रेजुएट लेवल पर नहीं पढ़ रखा है, तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर्स को अगर मैं नो कर देता हूँ, नो करने के बाद मैं नीचे जा रहा हूँ। नीचे जाने के बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है आप एक्स सर्विस मैन है, ये पूछ रहा है कि आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग चाहते हैं, अगर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपको मिल जाता है, बाकी यहाँ पे आपको नो करना है, क्योंकि ये कह रहा है वेदर द प्रोसिक्यूशन और ये आपको फाइन है या इस तरीके का आप कोई कोर्ट का केस वगैरह चल रहा है उस तरीके का है, तो यहाँ पे आपको नो ही करना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी भर सकते हैं, यहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज भी आपसे आती है, रीड, राइट, स्पीक, आपसे अदर लैंग्वेज भी आती है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको करने के बाद अगर यहाँ से वैलिडेट और योर डिटेल्स पर डालते हैं, तो आपको एरर दिखाता है। क्या एरर दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, तो यहाँ पे शुड बी यस, यहाँ पे आपको यस ही करना पड़ेगा, तभी आप आगे चलेंगे। आप यहाँ पे यस करेंगे, यस करने के बाद आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, तो पूछ रहा है कंप्यूटर ऑपरेशंस का है, कंप्यूटर लैंग्वेज का है, सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी सेलेक्ट करके नीचे आप बढ़ जाएंगे। दूसरा, अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो कंप्यूटर ऑपरेशन में डिप्लोमा है या कंप्यूटर लैंग्वेज में डिप्लोमा है। अगर आपके पास डिग्री की बात कर रहा है, तो डिग्री आपकी कंप्यूटर ऑपरेशन में है या कंप्यूटर लैंग्वेज में है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपने ये जो स्टडीज की है, इसको पढ़ा है आपने हाई स्कूल लेवल पर या आपने कॉलेज लेवल पर पढ़ा है, आपने इसको इंस्टीट्यूट लेवल पर पढ़ा है, यानी कि आप हाई स्कूल में, टेंथ, ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन में, या आपने इसको किसी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रखा हो, तो भी आपका वैलिड होगा। तो अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो पूछ रहा है एज ए सब्जेक्ट या एज ए आई टी ऐसे सब्जेक्ट या कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको सेलेक्ट जरूर करना है, तभी आप यहां से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट आपका यहां से हो जाएगा, आप इसको यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होते हैं, कंप्यूटर सेंटर होते हैं, वो भी आपको सर्टिफिकेट दिलाते हैं ऑपरेशन का या लैंग्वेज का, आपका वो भी वैलिड होता है, वो भी यहां पर चल जाता है, ओ लेवल चल जाएगा, ट्रिपल सी का है सर्टिफिकेट, जो NIELTS जो कराता है, वो भी आपका यहां पर चल जाएगा, ठीक है। तो उन सब के बारे में यहाँ पे हो गया, आप इसको यहाँ से आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे माना आपके पास ये यहाँ पे कर रखा है, ऐसे सब्जेक्ट कर रखा है, इसको आप वैलिडेट करेंगे, तो यहाँ पे कहेगा वेरीफाइड सक्सेसफुल, क्लियर हो गया। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे ये करना है। तो चलिए मैं आपको लेके चल सकूँ आप सीधा एडवर्टाइजमेंट पर, सॉरी जो आपका डिटेल्स में नोटिफिकेशन दिया हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। क्या दिया हुआ अभी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये डिग्री है, ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी कर रखा हो, बी ए, बी एस सी, आपने बी टेक कर रखा हो, बी सी ए कर रखा हो, बी एस सी नर्सिंग कर रखा हो, मतलब इसके इक्विवेलेंट कोई भी हो, 3 साल वाला या 4 साल वाला आपने कोई भी डिग्री कर रखी हो, वो सब चल जाएगी, कोई इसमें मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। दूसरा आपका कंप्यूटर लिटरेसी, ये आपको ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की आनी चाहिए, ये आपकी जरूरी है, कार्य साधक ज्ञान आपको कंप्यूटर का होना चाहिए, साथ साथ आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज में होना चाहिए। आपका डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर में, तो चल जाएगा आपका, बहुत सारे डिप्लोमे होते हैं कंप्यूटर वाले, चल जाएंगे। सर्टिफिकेट की मैंने बता दिया है, आपका रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हो, कंप्यूटर सेंटर हो, आपका सर्टिफिकेट आपका ले रखा हो आपने काय में, अपना ऑपरेशन में, लैंग्वेज में आपका चल जाएगा, या उसके साथ साथ आपने टेंथ, ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन या डिग्री लेवल पर आपने कुछ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रखा है, किसी भी ईयर में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रखा है, तो चल जाएगा। वहां कैसे अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था। दूसरा इसमें बात करते हैं आपने किस स्टेट से अप्लाई किया है, यह है प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज, जो भी आपकी स्टेट की लैंग्वेज है ऑफिशियल, उसमें आपको दक्ष होना चाहिए, आपको आपको रीड, राइट एंड स्पीक तीनों आना चाहिए, बिल्कुल ये आपका मैंडेटरी है। तो यह है द फॉर विच वैकेंसी कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई इज प्रिफरेबल। तो इतना ही आपका, मुझे तो यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बताना था, मैंने आपको यहाँ से पूरा हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, मैं उस पर भी आपको एक वीडियो
बनाकर दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।